कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का BL ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके पाठ्यपुस्तक सामाजिक विज्ञान के दूसरी पुस्तक लोकतंत्र का पहला लेसन पढ़ा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 9 में आपके सामाजिक विज्ञान में 4 पुस्तकें लगेंगी। पहला हमारे अतीत प्रथम, उसके बाद में तो जो है समकालीन विश्व व समकालीन भारत, एक अर्थशास्त्र की किताब रहेगी और एक राजनीति विज्ञान की किताब रहेगी। अर्थात 2 किताबें इतिहास के लगेंगी, जिसमें एक भारतीय इतिहास रहेगा, दूसरा आपको विश्व इतिहास पढ़ना होगा, तीसरी किताब आपकी नागरिक शास्त्र के रूप में राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस की रहेगी, चौथी किताब जो है वो आपकी अर्थशास्त्र की रहेगी। तो आज हम नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तक का पहला अध्याय लोकतंत्र पढ़ रहे हैं। लोकतंत्र है क्या? देखिए, लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है कि जिसका सबके लिए अलग अलग अर्थों में, अलग अलग प्रकारों में, अलग अलग व्यवस्था में, अलग अलग तरीके से अर्थ किया जाता है। लोकतंत्र अपने आप में एक संपूर्ण शासन प्रणाली है। लोकतंत्र क्या होता है ये समझने के लिए हम जो है आपकी पाठ्यपुस्तक पढ़ेंगे। देखिए, हमने पहले प्रयास किया था कि हम इसके बड़ी क्लासों की तरह जो है लेक्चर वीडियो बनाएं, लेकिन हमने जब सब विद्यार्थियों से दूरभाष या मोबाइल से संपर्क किया तो हमने पाया कि सभी विद्यार्थी जो हैं वो सक्षम नहीं हैं, उनके पास में किसी के पास किताब नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह भी है कि विद्यालय के अलावा शिक्षा पर सबका ध्यान संपूर्ण केंद्रित भी नहीं है। और रही सही कसर बाज़ार निभा रहा है, बाज़ार में सभी पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं, जितनी उपलब्ध हैं उनमें से विद्यार्थी जो है अपना पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे समय में BL परिवार आपके साथ है और आप निश्चित रूप से इस बात के प्रति निश्चिंत रहें। आपके पास किताबें नहीं हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पढ़ाई रुक जाएगी। हम आपको आपकी किताब में ही आपका पाठ पढ़ाएंगे ताकि आपको पाठ्यपुस्तक की कमी, हालांकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, समय से आपको किताबें खरीदनी होगी क्योंकि ये पद्धति जो है वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी। लेकिन जब तक कि आपके पास पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध नहीं हो जाती, हम इसी पद्धति के सहारे से पढ़ेंगे। लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, हम बहुत सरल परिभाषा से शुरुआत करते हैं, फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं का व्यवहारिक अर्थ जानेंगे। यह हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक की न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करना है। ये अध्ययन पढ़ लेने के बाद लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक, देखिए 2 तरह के देश हैं संसार में, जिनमें पहला जो है लोकतांत्रिक देश है जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, दूसरी है नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है। एक देश वे हैं जहाँ पे लोकतंत्र है और एक देश वे है जहाँ पे लोकतंत्र नहीं है। तो लोकतंत्र का होना और न होना ये जो है अलग अलग चीज़ें हैं। अब लोकतंत्र जो है किसी भी देश की पूर्णतया सार्वजनिक शासन प्रणाली होती है, और लोकतंत्र में क्या होता है कि सारा का सारा शासन तंत्र जो होता है वो उसकी सबसे छोटी और सबसे शक्तिशाली इकाई जनता के इर्द गिर्द घूमता रहता है। जनता लोकतंत्र में एक बहुमूल्य भागीदारी के साथ में निकल कर आती है, जनता के पास में सर्वशक्ति होती है और वह सर्वशक्ति अभियान के कारण सर्वशक्तिशाली रूप से जो है स्थापित होती है। लोकतंत्र जो है जनता की एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है, क्योंकि सारा का सारा ताना बाना, सारा का सारा शासन प्रणाली, सारा का सारा शासन तंत्र लोकतंत्र के इर्द गिर्द घूमता रहता है। अध्याय के अंत में हम इस न्यूनतम लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ेंगे। देखिए, समकालीन दुनिया में लोकतंत्र की सबसे सर्वोत्कृष्ट लोकप्रिय शासन पद्धति है। ऐसा क्यों है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है, क्या यही शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था है, इन सवालों पर हम इस अध्याय के बाद में चर्चा करेंगे। लोकतंत्र क्या है, इस पर हम विस्तृत चर्चा के लिए जो है आपको लिए चलते हैं आपकी पाठ्यपुस्तक के अंदर। पहले है 1.1, लोकतंत्र क्या है।
लोकतंत्र को समझने के लिए हमें एक चीज़ समझनी होगी कि लोकतंत्र कैसे होता है और लोकतंत्र किस में के किन किन चीज़ों की आवश्यकता रहती है। आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं, आपने पिछली कक्षाओं में कक्षा 8 में सरकार कितने तरह की होती है, किस तरह की होती है, कौन कौन सी शासन प्रणालियाँ होती हैं, उनमें सरकारों के प्रकार क्या रहते हैं, वो सारे आपने पढ़ लिए हैं। वर्तमान में हम आपको लोकतंत्र के बारे में विस्तार से बताएंगे कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ जितनी है उससे कहीं आगे लोकतंत्र की नई व्याख्या के साथ में आपका नया पाठ्यक्रम आया है। देखिए, सरकारें दो तरह की होती हैं। पहली, लोकतांत्रिक सरकारें, ऐसी सरकारें जिनका गठन लोकतंत्र की नींव, लोकतंत्र के आधार पर किया जाता है, लोकतांत्रिक तरीके से किया जाता है। ऐसे देश जहाँ पे लोकतंत्र सरकारों का निर्माण करते हैं वो लोकतांत्रिक देश कहलाते हैं, और ऐसे देश जहाँ पे सरकारों का निर्माण लोकतंत्र के हिसाब से नहीं बल्कि अपने सरकार अपने देश अपने सहूलियत के अनुसार सरकार का जो है वर्णन करती है, सरकार का नियमन करती है, सरकार का क्रियान्वयन करती है, सरकार का चलन करती है, तो वो गैर लोकतांत्रिक देश कहलाते हैं। लोकतंत्र जो है वो किसी भी देश की शासन प्रणाली का बहुमूल्य अंग रहता है। ठीक है, तो परिभाषा अब हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या है। अगर आपको कुछ शब्दों में चंद लाइनों में बताना पड़े कि लोकतंत्र क्या है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कौन सी किस परिभाषा का उपयोग करना होगा। तो देखिए, परिभाषा की जरूरत पड़ी ही क्यों, पहले आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक मेघावी छात्रा मेरी की आपत्ति पर गौर किया जाए। देखिए, अब इस बार NCERT का सिलेबस लगा है, तो NCERT के सिलेबस की खास बात रहती है कि आपको जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे, जितने भी आपको मतलब आपके टॉपिक्स लगेंगे, उन टॉपिक्स को बड़ा बारीकी से अध्ययन करने के बाद में एक मनोवैज्ञानिक तरीके से पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया गया है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट सीधे सपाट शब्दों में न बताकर आपको धीरे धीरे उदाहरण देते हुए परिस्थितियों के बीच में जाते हुए परिस्थितियों से अनगल करवाते हुए इनका जो है वर्णन किया गया है। तो आप आज जो हमारे सामने जो है लोकतंत्र की परिभाषा में एक मैरी एक लड़की है और एक मैम है लिंगदो मैम, तो ये दोनों आपस में वृतांत होता है और वो आपस में बात करते हैं। क्या बात करते हैं पढ़ते हैं। देखिए, मैरी, मैडम मुझे ये तरीका ठीक नहीं लगता। पहले लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा किया और अब हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को ही हमें पहले करना था और पहले अध्ययन वाली पढ़ाई, अब ऐसा ठीक नहीं होता है। लिंगदो मैम क्या कहती है, तुम्हारी बातों में दम है, पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में ऐसा ही नहीं करते? क्या हम कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने से पहले इनकी परिभाषा को स्पष्ट करना जरूरी नहीं मानते? जरा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा है? शब्दों का उपयोग करके ही हम उसका अर्थ जानते हैं। मैरी, फिर परिभाषा की जरूरत ही क्यों है? लिंगदो मैम, हमें परिभाषा की जरूरत तभी पड़ती है जब हम किसी शब्दों का उपयोग करने में परेशानी होती है। हमें बारिश की परिभाषा की जरूरत तभी होती है जब हमें बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति और सामान्य से फर्क करना हो। लोकतंत्र पर भी यही बात लागू होती है। इसी लिए स्पष्ट परिभाषा की जरूरत है क्योंकि लोग इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए करते हैं। बहुत से तरह तरह की सरकारें खुद को लोकतांत्रिक कहती हैं, अपने आप को लोकतांत्रिक बताती हैं, दिव्यांग, लेकिन हमें परिभाषा बनाने की जरूरत ही क्या है। एक दिन हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया गया था, लोगों के लिए, लोगों की ओर, लोगों के द्वारा चलने वाली शासन प्रणाली, शासन व्यवस्था लोकतंत्र है। मेघालय में हम स्वयं पर राज करते हैं, इससे सभी लोग मानते हैं, हमें इसमें बदलाव करने की ज़रूरत क्या है? लिंगदो मैम, मैं यह नहीं कहती कि इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है, मुझे यह परिभाषा बहुत सुंदर लगती है। जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार न करें तब तक यह तय करना मुश्किल होगा, क्योंकि लोकतंत्र की यही सर्वोत्तम परिभाषा है।
हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि किसी बहुत नामी गिरामी आदमी ने उसके लिए कुछ बहुत अच्छा कहा है या सभी लोग उसे सही मानते हैं। योलांदा, मैडम मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, हमें कोई परिभाषा तलाशने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा था कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। देखिए आप एक चीज़ ध्यान में दे रहे होंगे कि ये संवाद चल रहा है और संवाद के बीच में अर्थ बताए जा रहे हैं। अभी मैं आपको संवाद पढ़ने के बाद में पूछूंगा कि ऐसा क्या है, आपने क्या ज्ञानार्जन किया लोकतंत्र के बारे में। देखिए योलांदा कहती हैं कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द है, डेमोक्रेसिया से बना है। यूनानी में डेमोन्स का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी का अर्थात लोकतंत्र का अर्थ हुआ लोगों का शासन, यही सही अर्थ है। फिर परिभाषा की ज़रूरत क्या है? लिंगदोह में इस सवाल पर विचार करने का यह बहुत उपयोगी तरीका है, पर मैं इतना कहूँगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का सही हरदम उपयोगी नहीं रहता है। शब्द का अर्थ हमें अपने मूल से जुड़ा या बंधा नहीं रहता है, समय और प्रयोग के साथ साथ उसका अर्थ भी बदलता रहता है। अब कंप्यूटर का शब्द ही ले लो, ये कंप्यूटिंग अर्थात गणना शब्द से बना है। मुश्किल कामनाओं को सरल करने से इसके लिए बने यंत्र को कंप्यूटर कहा जाता है। दरअसल ये बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर थे, पर आज ही कोई इस अर्थ में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग करता है। अब तो कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिज़ाइन बनाने, संगीत बनाने, सुनने और फिल्म देखने में होता है। शब्द वही है, लोकतांत्रिक राजनीति। देखिए अब हमने जो है ये संवाद पढ़ा, इस संवाद में को आप ध्यान से देखिए, बड़े ध्यान से देखिए, आपको संवाद को बड़े ध्यान से देखना होगा कि क्या, कि देखो अब दो जगह बात आई है। पहली बात रिव्यांग करते हैं जो लोकतंत्र के बारे में बताते हैं, और लोकतंत्र की बातों में दिव्यांग जो है वो एक कोटेशन का जिक्र करते हैं, एक परिभाषा का जिक्र करते हैं। और वो परिभाषा क्या है? वो परिभाषा ये है कि हाँ जी, अब्राहम लिंकन के बारे में बता रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? अब्राहम लिंकन कहते हैं साहब कि लोकतंत्र क्या है? लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा करने वाली शासन व्यवस्था लोकतंत्र कहलाती है। अब लिंकन साहब की ये कोटेशन कितनी शानदार और कितनी बढ़िया है, क्या कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र कैसे है? लोकतंत्र जो है लोगों की शासन प्रणाली है, इसमें लोग जो होते हैं वो सक्रिय भागीदारी अदा करते हैं, ठीक है, और इसमें कोई और नहीं होता, इसके भागीदार लोग होते हैं, इनको बनाने वाले लोग होते हैं, और जिन पर बनकर ये लागू होती है वो भी कोई और नहीं होते, लोग ही होते हैं। मेघालय में हम स्वयं, ये मेघालय के बारे में बता रहा है। इसके अलावा लोकतंत्र के बारे में कितनी शानदार बात योलांदा कहता है। योलांदा क्या कहता है कि डेमोक्रेसी क्या है? यूनानी शब्द है। इतना तो तय हो गया कि लोकतंत्र लोगों से जुड़ी हुई शासन प्रणाली है, ठीक है, और लोगों के द्वारा है, लोगों से है, कि ये तो लिंकन साहब ने बता दिया था, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने। अब लोकतंत्र के शब्द के बारे में अगर व्याख्या करें तो हम चाहेंगे कि ये कितना बढ़िया तरीके से बता रहा है कि लोकतंत्र जो है, एक तो ये भारतीय शब्द नहीं है, ये यूनानी शब्द है, और यूनान में इस शब्द को जैसा भारत में हम लोकतंत्र कहते हैं, सेम इस शब्द को जो है वो मतलब इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहा जाता है, और यूनान में इसी शब्द को जो डेमोक्रेशिया कहते हैं, और भारत में इसी शब्द को लोकतंत्र कहते हैं। तो लोकतंत्र के लिए तीन शब्द मिल गए हमें, लोकतंत्र भारतीय दृष्टिकोण, डेमोक्रेसी इंग्लिश दृष्टिकोण या वेस्टर्न पश्चिमी दृष्टिकोण, और डेमोक्रेशिया यूनानी दृष्टिकोण। अब डेमोक्रेशिया शब्द से डेमोन्स बना है, है ना, डेमोक्रेसी बनी है, डेमोन्स डेमोक्रेशिया और डेमोक्रेसी। डेमोन्स जो होता है ना बच्चों, वो क्या होता है, उसका मतलब होता है लोग, आम जनता, अ जनरल पीपल। अब लोगों को यूनानी में डेमोन्स कहते हैं, और डेमोन्स जहां पे रहते हैं उस एरिया को क्रेशिया, क्रेशिया माने शासन, शासन वाला
एरिया शासन रेडिया, और डेमोक्रेसी हो गई डेमोक्रेसिया का विस्तृत रूप। तो डेमोक्रेसी शब्द यूनानी शब्द से बना है डेमोक्रेसिया से, जो कि दो शब्दों से मिलता है, डेमोस क्रेशिया, डेमोस मतलब लोग, क्रेशिया मतलब शासन प्रणाली, डेमोक्रेसिया का मतलब होता लोगों की शासन प्रणाली। तो अब देखिए इसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं पाप की पाठ्यपुस्तक क्या कहती है जी। रहने पर बीतने के साथ उसका अर्थ बदल सकता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ पर ही भरोसा करना उपयोगी नहीं होता। अब देखिए कई बार जरूरी नहीं होता कि हम जो शब्द पढ़ रहे हैं उनके मूलार्थ में ही उसका भावार्थ नहीं तो, कई बार मूलार्थ अलग होता है, भावार्थ अलग होता है, भाव अलग होते हैं, मूल अलग होते हैं, दोनों अलग अलग तरीके से चल रहे होते हैं, ये बात हम देखते हैं। अब देखो मैडम क्यूरी क्या बात कहती है। मैडम आपके कहने का मतलब यह है कि इस विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें इसके अर्थ पर गौर करना होगा और इसकी परिभाषा गढ़नी होगी। अब देखो किसी भी चीज़ के बारे में जब हमें बड़ी गहराई से जानना होता है तो हमें उसकी परिभाषा के बारे में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें किसी चीज़ की परिभाषा का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम उसका वास्तविक अर्थ और वास्तविक भावार्थ और मूलार्थ नहीं निकाल पाएंगे। मूलार्थ होता है मूल अर्थ, भावार्थ होता है भाव से लगाया गया अर्थ, है ना, और वास्तविक अर्थ क्या होता है जनता क्या समझे। कई बार शब्द का मूल अर्थ अलग होता है, हम उसे भावार्थ में जानते हैं, और कई बार यह भावार्थ जो होता है वह सामान्य अर्थ से दूर रहता है। लिंग दो मैम एकदम सही, इसलिए आओ अब इस पर काम करें, खुद करें खुद सीखें। अब देखिए हम परिभाषा बना रहे जा रहे हैं, आइए लिंग दो मैम की बात को गंभीरता से लें। कलम, बारिश, प्रेम, ये तीन शब्द बताए हैं लिंग दो मैम ने, ठीक है, जैसे सदा प्रयोग होने वाले साधारण शब्दों को ठीक ठीक परिभाषा में लिखने की कोशिश करें। जैसे क्या कलम की कोई स्पष्ट परिभाषा है, जैसे पेंसिल, ब्रश, हाइलाइटर या मार्कर से अलग बताती है। इस प्रयोग से आपने क्या सीखा, लोकतंत्र का अर्थ समझने में इससे क्या अनुभव होता है। अब अगर एक सरल परिभाषा के रूप में हम पढ़ते हैं कि लोकतंत्र क्या होता है, देखिए इसमें एक चीज़ और है, क्या कहते हैं, मैंने तो यह भी सुना है कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जहां लोक परतंत्र हावी रहता है। अब ये देखिए अब बीच बीच में आपसे सवाल पूछेंगे ये लोग, है ना, और आपके मस्त मन मनोदशा का परीक्षण करेंगे, क्या कह रही है गुड़िया, ये कह रही है कि मैंने तो एक बात सुनी है भाई, क्या सुनी है कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जहाँ पे लोक तंत्र बहावी रहते हैं, तंत्र माने शासन प्रणाली पे। देखिए आइए उस चर्चा पर फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक अर्थ बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच समानता और असमानता से जुड़ी थी। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था लोगों के पास अपनी सरकार चुनने का अधिकार होना। सामान्यतः लोकतंत्र का बिल्कुल सामान्य से अर्थ है कि लोगों के पास जब अपनी सरकार चुनने का अधिकार होता है उसे लोकतंत्र कहते हैं। इसलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं, क्या परिभाषा, कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लोकतंत्र क्या है, शासन व्यवस्था का एक रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जो है वो लोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए यह एक उपयोगी परिभाषा है कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सरकार का चुनाव लोग करते हैं, तो ये एक बड़ी ही धरातल की बड़ी ही छोटी सी बाल मनोवैज्ञानिक परिभाषा है जो आम जन के समझ में आने वाली है। विशेष परिभाषाओं के लिए हम आगे बढ़ते हैं, यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट और लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। म्यांमार में सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया था, किया है, जिन लोगों पर सेना का नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए हैं। शासक के फैसलों में लोगों की भागीदारी नहीं है। पिनोशे, चीले जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते, यह बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। सऊदी अरब के शाह लोग द्वारा शासक नहीं चुने गए हैं,
बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें यह हक पाया है, लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण एवं पर्याप्त नहीं है। इसलिए इससे हम यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है, पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हम उनसे बिना सोचे समझे करें तो फिर सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती है, और फिर हम यही नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि जैसा हम अध्याय 3 में देखते हैं कि समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या न हो, खुद को लोकतांत्रिक कहलाना चाहती है। इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानीपूर्वक फर्क करना होगा। यह काम तो हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझें और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानें कि लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, इसको समझें। देखिए, रिब्यांग जो कि मेघालय की एक छात्रा है, वो अपने अनुभव को इस प्रकार बनाती है कि रिब्यांग स्कूल से घर गई, उसने लोकतंत्र के बारे में कुछ अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों को जमा किया। इस बार इस उक्तियों को कहने लिखने का नाम उपयोग नहीं किया। वह चाहती थी कि आप भी इसे पढ़ें और बताएं कि उक्तियां कितनी अच्छी और उपयोगी है। उसने क्या कलेक्शन किया, उसने रिव्यांग ने जो कलेक्शन किया उसमें क्या बात है कि क्या विशेष क्या निकला। विशेष यह निकला कि लोकतंत्र हर व्यक्ति का को अपना शोषक आप बनाने का अधिकार होता है। सब लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार होता है। यहाँ पे शायद शोषक शब्द जो है, शोषक की जगह शासक शब्द होना चाहिए था, गलत लिखा गया है शब्द। आप इस शब्द को अपनी पाठ्यपुस्तक में थोड़ा सुधार कर ले कि लोकतंत्र एक ऐसी शासक प्रणाली है यहाँ पे व्यक्ति को अपना शासक बनाने का अधिकार देता है, न कि शोषक। शोषक तो शोषण करने वाला होता है, जबकि शासक शासन करने वाला, राज करने वाला होता है। लोकतंत्र का मतलब अपने तानाशाहों का चुनाव करना, उसके मोह से इसकी इच्छाओं की बातें सुने। अब लोकतंत्र का मतलब कहीं ये तो नहीं कि क्या हम तानाशाहों का भी चुनाव कर दें, क्या तानाशाह से चुनाव करा सकते हैं। इस अर्थों में तो शोषक सही शब्द है, क्योंकि हम करते क्या हैं लोकतंत्र में। दरअसल होता क्या है कि हम अपना, देखो इसके दो अर्थ हैं, एक तो सकारात्मक अर्थ, अगर शासन के सकारात्मक अर्थ को लें तो वो सकारात्मक अर्थ देता है। अगर नकारात्मक अर्थ में एक आदमी शासक को शासक और दूसरा शासक को शोषक समझता है, तो ये दोनों की मानसिक और मनोदशा का अंतर है। लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक बन जाने का अधिकार देता है। लोकतंत्र का मतलब अपनी तानाशाहों का चुनाव करना, उनके मुँह से अपनी इच्छा की बात सुनने के बाद में रहता है। व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है, लेकिन अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र का जरूरी बनाता है। लोकतंत्र शासक का ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक हैं वैसी सरकार हम पे शासन करें। लोकतंत्र की सारी बुराइयों को अधिक लोकतंत्र से दूर रहने पर किया जाता है। अब देखिए आगे हमारे पास में लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है। अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने पढ़ा कि लोकतंत्र किस तरीके से टैकल किया जाता है, लोकतंत्र है क्या। अगली क्लासों में, अगली जब कक्षा हम दूसरी क्लास लगाएंगे कल, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं। लोकतंत्र, अब देखिए आपके सामने एक बड़ा सुंदर चित्र दिखाई दे रहा है जिसके अंदर कुछ है। ये कार्टून जो है वो कहाँ से लिया गया है, देखिए इराक में अमेरिका और अन्य विदेशी शक्तियों की उपस्थिति में हुए चुनावों को ये कार्टून बता रहा है। उस समय कार्टून बना है, ये कार्टून क्या कहता है कि डेमोक्रेसी को इस तरीके से क्यों लिखा गया। ये डेमोक्रेसी को लिखने का तरीका बताया गया है कि मतलब क्या लोकतंत्र यही है। ये दरअसल लोकतंत्र पर जो है वो नकारात्मक टिप्पणी है। तो आज हमने पढ़ा कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र के बारे में सामान्य चर्चा की। अगली क्लास में हम जो है लोकतंत्र पर विशेष चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप अपने व्यक्तिगत संदेश जो हैं, व्यक्तिगत मैसेज जो हैं, अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9460646750 पर भेज सकते हैं। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो मैं आपको आपकी सारी बातों को संपूर्ण करने का प्रयास करूँगा। पुनः से आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक बार थोड़ी अरुचिकर लगेगी, थोड़ा
आप क्योंकि आप काफ़ी समय से पढ़ाई से जुड़े हुए नहीं हैं तो आपको जुड़ने में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन एक बार जब जुड़ जाएंगे तो एक तारतम्यता बैठ जाएगी और उसके पश्चात जो है हम जो है एक निश्चित रूप से एक बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाना शुरू करेंगे। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।